हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज वैलेंटाइंस डे है, तो मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है वैलेंटाइन स्पेशल ब्राउनी, जो बहुत हेल्दी है और मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेके आई हूँ इस रेसिपी का। तो ब्राउनी के लिए सबसे पहले हम लेंगे अपनी चॉकलेट। उसको मेल्ट करने के लिए हम पहले एक बाउल लेंगे और उसमें पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। फिर हम एक और बाउल लेंगे और उसे इस बाउल के ऊपर रख देंगे। इसे डबल बॉयलर कहते हैं। आप चाहें तो शीशे का बाउल ले सकते हैं, नहीं तो आप स्टील का बाउल भी ले सकते हैं। तो मैंने आज ली है 100 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। अब हम इसे थोड़ा मेल्ट होने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। इसमें अब हम ऐड करेंगे 100 ग्राम बटर। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बटर और चॉकलेट एकदम मिल चुका है साथ। अब मैं इसमें 50 ग्राम ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और 50 ग्राम जैगरी शुगर, और इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसे मिलाएंगे। अब हमारा चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। इसमें हम करीब 150 ग्राम कर्ड ऐड करेंगे। हम एगलेस ब्राउनी बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें कर्ड ऐड किया है, नहीं तो इसकी जगह आप 2 एग योक यूज कर सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले एक होल व्हीट फ्लोर, ये करीब 60 ग्राम्स है। कोकोआ पाउडर, ये है 25 ग्राम्स, और बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। अब हम इसे छान लेंगे। इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम अपने चॉकलेट मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसे प्रेस करते जाएंगे। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ रोस्टेड आलमंड्स। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, आप इसमें वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। अब हम हमारी बेकिंग ट्रे लेंगे और उसे बटर पेपर से कवर करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बटर और थोड़ा मैदा छिड़क सकते हैं। अब हमारे बैटर को बेकिंग ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। और उसे इवनली फैला देंगे। अपने ट्रे को अच्छे से टैप करेंगे ताकि हमारे बैटर में एयर बबल ना रहे और ये इवनली स्प्रेड हो जाए।
हैप्पी वैलेंटाइन। अब हम हमारी ब्राउनी को ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 टू 30 मिनट्स। अब हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ब्राउनी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। अब हम नाइफ डाल के चेक करेंगे कि हमारी ब्राउनी पकी है कि नहीं। जब अब आपका नाइफ ऐसे क्लीन आ जाए तो मतलब हमारी ब्राउनी पक चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग थोड़े गुलाब से करेंगे क्योंकि बिना गुलाब के वैलेंटाइंस डे तो बिल्कुल अधूरा सा है। ब्राउनी को काटने से पहले थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए और फिर इसे काट के खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।